साथियों, आजाद वतन में इस देश के अंदर सरहद पे रोज भारत के जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सीने को भेदते हैं और जवानों की शहादत रोज हो रही है इस देश में। लेकिन इस आजाद देश में एक ऐसे जवान ने ऐसे समय पे अपनी शहादत दिया कि जमाना जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उस जवान को सलाम करता रहेगा, उस जवान का नाम अमर होगा। जनपद गाजीपुर ऐतिहासिक धरती, आजादी की लड़ाई से लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट तक और आज भी जब जब इस देश को, इस मादरे वतन को जवानों के लहू की जरूरत पड़ी है तब तब उस जनपद का जवान अपने खून का एक एक कतरा दे करके अपने आप को साबित किया है। अश्वनी यादव जो सरहद पे शहीद हुए, आपने सुना था मेरे आवाज में लोकगीत, केवल आप सबसे निवेदन हाथ जोड़ के ये पूरा बिरहा आपके बीच में भेजने का काम कर रहा हूं। हमारे कवि, हमारे गुरु आदरणीय श्री गया कवि जी के द्वारा लिखित ये गीत है और आशीर्वाद आदरणीय प्यारे लाल यादव कवि जी का है। अब शुरुआत कर रहा हूं, बिरहा को सुनिएगा भूमिका से। कैसे कभी जी, देश से क्या बड़ा है बताओ हमें, अरे चल रहा दीप हिंसा के भू भाग में, मौत को मौत कहने की जिद ना करो, मौत रोको ना झोंको हमें आग में। का जवान जब शहीद होता है, चारों तरफ से शहीद को नमन होती है। लोग कहते हैं कि एक जवान शहीद हो गया, मौत का नाम दिया जाता है। हमारे कवि ने लिखा कि मौत को मौत कहने की जिद ना करो, अरे मौत रोको न झोंको हमें आग में। पूरा बिरहा को सुनिएगा। आपके बीच में ये धर्मेंद्र सोलंकी एक जवान की शहादत को पेश करने जा रहा है। बड़ा खूबसूरत बिरहा में गजल का लाइन लगल, कैसे मास्टर? कुमार विश्वास साहब ने इस गजल को गाकर रातों रात इंटरनेशनल स्तर पे खड़ा करने का काम किया था। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। शुरुआत बिरहा में करे जात बाणी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और सच्चे जवान का जो जज्बा होता है उसको इस लाइन में हमारे गया कवि ने लिखने का काम किया है। क्या वतन के वास्ते फौजी, अरे वतन के वास्ते फौजी सदा सरहद पे मरता है, वतन के वास्ते फौजी सदा सरहद पे मरता है। फौजी सदा सरहद पे मरता है, अरे
वतन के वास्ते फौजी सदा सरहद पे मरता है कि इस धरती के कीमत को के इस धरती के कीमत को सदा फौजी समझता है कि इस धरती के कीमत सदा फौजी के इस धरती के कीमत को कहानी का शुरुआत कहानी के प्रथम पृष्ठभूमि की शुरुआत करने जा रहा हूं जगह भी रहा का नींव कहल जाला शुरुआत बा एक एक लाइन एक एक बात एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके बीच में रखने का काम करूंगा शहर बा मास्टर कैसे फौज की जिंदगी फौज की जिंदगी तो फौजी ही बताता है गोली सरहद पर वो खाता है खिलाता है ये कटु सत्य है फौजियों के लिए दूसरी लाइन क्या जिंदगी देता है जो वतन की हिफाजत में जिंदगी देता है जो वतन की हिफाजत में होती ना करना उनकी आज की सियासत में लेकिन एक ऐसे धरती का जवान ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर के आज आजाद वतन तक जब जब इस मातृभूमि को खून की जरूरत पड़ी उस जनपद के जवानों ने अपने खून का एक एक कतरा देने का काम किया धरती कौन है इतिहास गाजीपुर का सदियों से पुराना है इतिहास गाजीपुर का सदियों से पुराना है शहीदी धरती जिसको जानता जमाना है ऊसर जमीन में कबो हरियाली ना हो सकेले अब पैदावार वाली जमीन रही ओमें लाम नियर अगर लमेरा भी छीट देबो तब वो इतना बियास करी कि लागी कि खूब बढ़िया से बैठौनी कर गेल बा गाजीपुर का इतिहास सदियों से पुराना रहा लेकिन ये कहानी कहां से आ रही है नौनहरा थाना में नौनहरा थाना में बभनौली गांव यादव श्री राम जी का चकदाऊद से नाता है तीन बेटे हैं जिनके लाल मुनि नारी से तीन बेटे हैं जिनके लाल मुनि नारी से अचानक मौत जिनकी हो गई बीमारी से उस समय के वर्तमान आज के स्वर्गीय श्रीराम यादव पत्नी का नाम लाल मुनि श्रीराम के द्वारा लाल मुनि के वदर से तीन को बेटा पैदा भइलन तीनों बेटवन में एक बेटा जोन बड़ा बेटा नाम जेकर अश्वनी यादव बतावल गई आखिरकार अश्वनी के अंदर होनहार बिरवान के होत चीकने पात पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं कहना है क्या बड़ा बेटा यशोनी भरा संस्कारों से नेह बचपन से जोड़ा फौज के सितारों से बाबू स्वर्गवासी हो गए परिवार का जिम्मेदारी मतारी के सर पर बटले बा लेकिन बड़ा भाई भैले गिनाते बाप का भी फर्ज अदा करे के आज जरूरत बा और भाईयन के भाई कभी दुलार देवे के जरूरत बा अंजाम निकलल का समय बीतल भइल का पढ़ाई पूरी की या रोटी की तलाश रही पढ़ाई पूरी की या रोटी की तलाश रही फौज में जाऊंगा जीवन की पहली आस रही तीन भाइयों में बड़ा अश्वनी यादव मन में विश्वास है
आज संकट तो इस बात का है कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते परिवार के दाल रोटी की भी चिंता सोनी यादव को है, लेकिन मन में एक कसक है, विश्वास है, जागृति है, नौकरी करूंगा तो फौज की, मादर वतन की हिफाजत करने के लिए अपने शरीर पर वर्दी अगर डालूंगा तो फौज की वर्दी डालूंगा। मन में विचार करत वांट निकलल सीआरपीएफ का, भैया फार्म भरलन, फार्म भरले के बाद आप फार्म भरते हैं, पहली लेटर जो आती है आपके पास फार्म भरने के बाद उसको काल लेटर कहा जाता है। काल लेटर आयल भर्तिया का रहल फाफा मऊ में, समय कौन रहल सन 2007 का, 2006 में मैट्रिक परीक्षा पास कर लियलन, 2007 में भर्ती देखे चलत हमन, मतारी से गलन माई हम फौज में भर्ती होके जाते हैं, हमारे घर का तुहरे घर का हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति आज भी कायम है गाँव में। माई बहन लोग जब केहू घर से बाहर जाओ तो पहले लोग दही गुड़ खिया के जतरा बनावे, ये अलग बात बा, पंडित जी से लोग जतरा दिखावे, ये अलग बात बा कि इतनी गरीब पंडित कल्पना जी का देले रही जा तारा परदेश बलमुआ छोड़ के अपन देश बलमुआ, का देखो बा पंडित जी से खोलवा के पोथी पतरा, एगो चुमा लेला राजा जी बन जाई जतरा, ये तो गनीमत रहे। जो ना आजकल का नौकी आवतली सा कभी जी उगावतली सा कि जा तारा परदेश बलमुआ हमके घरे छोड़ के, तनी जाए से पहले खा लो ठलाली से रोटी बोर के। पंडियो जी का काम खत्म, माइयो बाबू का काम खत्म, लेकिन पारंपरिक तरज लगल माता बहन लोग शादी ब्याह की अवसर पर गावे लालो कैसे, तरज मास्टर बजावत अड़न शादी ब्याह की अवसर पर माता बहन गाई लोग बा, अरे कवि जी ये विराह में गजब का धुन डल ले हो, छोटी मुक्की घर की दुआरी, छोटी मुक्की घर की दुआरी लमहर दामाद हो, लमहर दामाद हो, छोटी मुक्की घर का दुआरी लमहर दामाद हो, तनिए कहनी हुरा दुल्हा, तनिए कहनी हुरा दुल्हा पर छबली लार हो, तनिए कहनी हुरा दुल्हा पर छबली लार हो, माई माथा पर हाथ रख के आशीर्वाद दिलस, दही गुड़ अपने हाथ से खियाई के बेटवा के फौज में भर्ती होके खातिर लड़का जात बा मतारी विदा करत दिया। भाव कवि जी कितना बढ़िया लिखलन, अश्वनी यादव चलत अवन फौज में भर्ती होके फाफा मऊ, ओ समय का भाव बा का, फौजी वाला फार्म भरले, अरे फौजी वाला फार्म भरले सपना सजाई हो, क्या बात क्या बात, अरे फौजी वाला फार्म भरले सपना सजाई हो, दही गुरखिया के भेजली, दही गुरखिया के भेजली भरती में माई हो, दही गुरखिया के भेजली भरती में माई हो, दही गुर
याद रखेंगे। अभी कितना दिन हुआ इस बात को मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूं। लाइन में खड़ा हुआ सोनी यादव, ये जो डिसिप्लिन है, जो सर्कुलेशन है, एक एक नौजवानों का सारा चीज चेक किया जाता है। सबसे पहले अश्विनी यादव जब जाकर के भर्ती लेने वाले उस अधिकारी के सामने खड़ा होता है, सावधान की मुद्रा में इंच टेप निकालता है वो भर्ती करने वाला अधिकारी, और जो ही सीने पर इंच टेप लगाता है, आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। काहे बाबू, कसती हजारों रहली, अरे कसती हजारों रहली किस्मत के घाट पे, किस्मत के घाट पे। इंच टेप निकाल के सीना नापता है, और जब सीना नापा तो हंसा ठठा के, कहा जवान किस जनपद से आए हो? अश्विनी यादव कहा साहब जनपद गाजीपुर, शहीदी धरती है, ऐतिहासिक धरती गाजीपुर। जवान इंच टेप को नापने के बाद फीता पीछे खींचा और कहा कि जवान प्रक्रिया तो बहुत बाकी है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम 101% भर्ती हो गए हो। कारण क्या था? कसती हजारों रहली किस्मत के घाट पे, भरतिया सवानी भैले, भरतिया सवानी भैले सिनेमा के ठाट पे, सिनेमा के ठाट पे। नापी जोखी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जवान घर आता है, और कुछ दिन के बाद चिट्ठी आई, सूचना मिली, रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट में ये तय हो गया कि सीआरपीएफ के बटालियन के लिए अश्विनी यादव जवान के रूप में चयनित कर लिया गया है। घरे जब दोनों भैयन के खबर मिलल, अरे बाप हो बाप, कूदत हवन दोनों भाई, चेहरा खुशी से एकदम खिलत बा। घरवा बाटे ले भाई, घरवा बाटे ले भाई, खुशी में मिठाई हो, खुशी में मिठाई हो, दही गुरखिया के भेजली, दही गुरखिया के भेजली भरती में माई हो, दही गुरखिया के भेजली भरती में माई हो, दही गुरखिया के भेजली भरती में माई हो। ये तय हो गया कि अश्विनी यादव फाफा मऊ के अंतर्गत ही जो परीक्षा दिया था उस परीक्षा का रिजल्ट निकला, और जब रिजल्ट निकला तो अश्विनी यादव सीआरपीएफ के जवान के रूप में भर्ती हो चुका था। इलाका खुशबा, पूरा गांव खुशबा, दोनों भैयन के आज लगल हमार भैया भर्ती हो गयेलन, भैयन की आंख से जर्जर जर्जर खुशी का आंसू चलत बा। किसान का बेटा है भैया, जो उन्हें पैसा रुपया पास में रहल, पॉकेट में रहल, दोनों भैया गईलन जाई के मिठाई ले आके पूरा गांव में बटलन। लेकिन धीरे धीरे यो समय व्यतीत हो गई, आज जब समय व्यतीत भइल, आखिरकार एक और चिट्ठी आई। कौने तरह का चिट्ठी? वो चिट्ठी में लिखल बा कि सीआरपीएफ के जवान के रूप में चयनित होने के बाद आपको ट्रेनिंग में जाना है। मतारी बड़ा खुश भैया, हमार बेटा फौज का जवान हो गई। जहिया जाए के बाबू, तीन चार दिन पहले में से माई अपने बेटा के लगे रोज 1 घंटा बैठे, रोज समझावे। माई न,
इहे कवि जी हमरे प्यार लाल कवि जी बतावेलन कि अमृत का धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई ए भैया एगो माई बिना। आज उहो दिन आ गई बैग ले के घर से रवाना होए वाला बा भाई अश्विनी यादव दोनों भैया अपने भैया के विदा करे जात हमन मतारी अपनी बेटवा से एगो बात कहलस का कहलस बिरहा में तरज लग गई कैसे तरजबा लेकिन सही तो यह बा कि आज के डेट में जौन तरज आवत बा आज के तरज में आज के 50 साल पहले जौन तरज आवे वो तरज में बहुत अंतर बा। हमार पुरानी सभ्यता संस्कृति पुरानी रीत रिवाज जौने के अंदर मिठास बा अश्लीलता नहीं के प्यार बा। एगो मेहरारू कहले रहल अरे कहर भागे एमएलसी साहब गाँव है रविंदर भाई अपिया पपिया का बोलिया जहर लागे पगला मैं कितना भावुक हो जा रहा हूं इस बिरहा को गाने में आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। बेटवा के अखबार में मतारी धैलस मुड़ी अपने सीना से सटाई की बेटवा से कहलस कि बाबू जा तरे तो जो लेकिन एक चीज हमार गांठ बांध लिए मतारी कहलस का कहलस कहलस की जा बेटा अपन अब्बा किर घरबा का याद रोटी दाल रखिया रोटी दाल रखिया दियो बड़ा जुलूम होले भैया जोले शरीरिया पर वर्दी ना रहल दुआरी पर कम लोग आवन लेकिन जो फौज का वर्दी शरीर पर चढ़ल दुआरी पर रोज टाटा सुमो बोलोरो स्कॉर्पियो इनोवा फॉर्चूनर के रहे भैया तिलकहरू बर देखुआ भीड़ लगल लगल भैया बियाह होई। अच्छा तो माई कहे कि बाबू अब तो हमारे लड़का नया नया और नौकरी पौलस मरल लो आजिश का दिल लो लेकिन वर्दी वर्दी से हरदी के मिलल पियराई धन्य हो कवि जी मैं प्रणाम करता हूँ गया कवि को वर्दी से हरदी के मिलल पियराई अयन सुदुलहिन बनली मेहदी रचाई बाकिर घरवा कया रोटी दाल रखिया ए भैया ग्राम गांधी नगर ब्लॉक बेरुआ बारी थाना खेजुरी जनपद बलिया गुलाब यादव का पुत्री नाम जकर अंशु देवी विध का विधान लोग बतावेलन शादी बियाह भगवान ऊपर से जोड़ा बना के भेजेलन आज अश्विनी यादव और अंशु का
सगाई हो गई, परने सूत्र में दोनों पति पत्नी बन गई लन। घर का जिंदगी बड़ा आराम से कटे लगल। धीरे 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 घर का जिंदगी बड़ी आराम से कटत बा। अश्विनी यादव सरहद पे भी अपना काम करता था, घर आता था छुट्टी लेकर के तो अगल बगल के लोगों का बड़ा प्रिय आदमी था और अपने परिवार में भी समय देता था। इतने के अंतराल में अश्विनी यादव को दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। बेटी का नाम आयशा और बेटे का नाम बड़े प्यार से आदित्य रखा गया था। घर से छुट्टी बिता के जाता है, ड्यूटी ज्वाइन करता है और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मार्च का महीना है, जरा याद रखिएगा मेरे मित्रों, मार्च का महीना है और मार्च के महीने में ये कंडीशन सरहद के सीमा, सरहद से हलचल चालू होती है। सीमा के उस पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन होना चालू हो गया। 22 मार्च सन 2020 को एक मिशन के तहत अश्विनी यादव को अपने साथियों के साथ भेजा गया। और किस लिए भेजा गया? सूचना मिली, खबर मिली कि आतंकवादी आए हैं और आतंकवादियों को ढेर करना है। अश्विनी यादव अपने जवानों को लेकर, अरे ललकारते हुए आगे बढ़ रहा है। जवान कहे, साहब ये हरामजादे नक्सली आतंकवादी जब भी मौका पाते हैं मातृभूमि के छाती पर गोली चलाने का काम करते हैं। इतनी बतिया जब अश्विनी यादव सुनलन, डपट के गालन गालन जवान, अरे मर्दवा सो रहा है आना फौजी हवा लो। अश्विनी कहत हवन बिरा में तरस लगल, का कहलन? ये तरस खातिर हम स्पेशल कह के गीत डलवेले रही गया कभी जी से। देखा है आज के गीत में और वो समय के गीत में कितना अंतर बा। साचे कहूं तोरे आवन से गमरे, साचे कहूं तोरे आवन से गमरे, अंगना में आइल बहार भौजी। ए भौजी फौज का जवान अश्विनी के नेतृत्व में चलत हुआ। आज जब चलन वो समय के बाद डपट के अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहा है अश्विनी यादव और डांट के जवानों से कह रहा है, क्या जब ले जियत बाटे फौजी पगरुआ, अरे जब ले जियत बाटे फौजी पगरुआ, यार देसवा पयाई नयाच भैया, देसवा पयाई नयाच भैया, देसवा पयाई नयाच भैया, जबले जियत बाटे फौजी पहरुआ, यह देश कभी कभी शहादत मांगती है और जब शहादत मांगती है तो शहादत कितना सुंदर होता है शायद तुम्हें नहीं पता। और हम तो फौजी हैं, जानते हो हमारा मतलब क्या है? हमने तो सीखा है लोहा चबाना, आतंकवादी साले की ये हैसियत है जो हिंदुस्तान के जवानों को झुका दे। हम सीआरपीएफ के जवान हैं, हम सरहद पे खड़े हैं, हमें गम नहीं कि कौन गोली किधर आएगी, केवल
ये टारगेट होना चाहिए कि दुश्मन हमारे नजरों से बच के नहीं जाना चाहिए। हमने तो सीखा है लोहा जमाना, हमने तो कांच भैया, ये भैया पीते गला करके कांच भैया पीते गला करके। अरे जबले जी अतबाटे भौजी पहरुआ, जबले जी अतबाटे भौजी पहरुआ, अरे सब पयाई नयाच भैया, ये भैया खबर मिली, एक्सिट खबर मिलती है, एक्यूरेट खबर मिलती है कि 5 आतंकवादी कहां पर छिपे हुए हैं। जो ही सूचना मिली, सूचना पास हुई, अपने जवानों के साथ अश्वनी यादव करता है क्या, आई खबर घर में छिपे मुदैया, अब मैं आपको बता दूं, आज जिस दिन मैं बिरहा गा रहा हूं, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर है, और मैं जिस जगह बिरहा गा रहा हूं वहां का टेम्परेचर 47 डिग्री के करीब है। और आप समझना, एक दुश्मन के सामने खड़े भारत के जवान के वीर गाथा गा रहा हूं, लेकिन मेरे शरीर को आप देखिए, मेरे शरीर की हलचल क्या हो रही है, चेहरे पे पसीने कितने आ रहे हैं। आई खबर घर में छिपे मुदैया, अरे राइफल का मुंह सीधा कैले सिपहिया, सर्च ऑपरेशन जारी, लगातार अपने पैनी नजरों से निरेखते देखते कदमों से आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार अपने मंजिल के करीब पहुंची अश्विन की टोली, और जो ही सामने आतंकवादी दिखाई देते हैं, ले निशाना, अंजाम क्या निकला, 5 आतंकी मारी अश्विन की टोली, आतंकी मारी अश्विन की टोली, कागज मऊतिया के जांच भैया, कागज मऊतिया के जांच भैया, अरे कागज मऊतिया के जांच भैया, अरे जबले जी अतबाटे फौजी पहरुआ, अरे फौजी पहरुआ, अरे सब पयाई नयाच भैया, ये भैया ये सब पयाई ना पांच आतंकवादियों को सीने को छलनी करते हुए, मिशन को सफल बनाते हुए, यहले वतन का, मादरे वतन का तिरंगा झंडा लहरा करके अश्विन की टोली, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन याद रख के साथियों, समय धीरे 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 बीतता गया। अश्विनी यादव साधारण व्यक्ति नहीं था, अश्विनी यादव लगातार कई मिशन को फतह करने का काम किए थे। मैं आपसे इस बात को बड़े मजबूती से कहना चाहता हूं कि जो मिट्टी है वो जनपद की, जो गाजीपुर की धरती है, शहादत के नाम पे ही आगे रहती है। और जब जब इतिहास उठा करके देखो, देश में जितनी भी लड़ाइयां हुई, देश में जब जब दुश्मनों से मुकाबला हुआ, पूरे हिंदुस्तान को ये रिकॉर्डेड चीज दे रहा हूं कि गाजीपुर के धरती के जवानों ने सबसे आगे बढ़कर के अपने कदम को बढ़ाकर इस देश के लिए मौत को गले लगाना पसंद करने का काम किया है।
सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा सुकमा में भी अश्विनी यादव अपने जवानों के साथ लड़े थे और मिशन को फतह किए थे। अब थोड़ा सा कवि की कलम सीधे लेकर के आती है आज के परिवेश में। भारत के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया पर, पूरे विश्व पर एक इतनी बड़ी महामारी जो लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, कई मौतें हो रही हैं रोज, कई लोग संक्रमित हो रहे हैं जिसे कोरोना महामारी का नाम दिया गया है। इस भयंकर महामारी को भारत इस महामारी से लड़ रहा है, डट के मुकाबला कर रहा है और भारत मुकाबला करने में सक्षम भी है। लेकिन उसी पीरियड में आज का समय आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं और उस जवान के दूसरे तीसरे वीरता की बात करने जा रहा हूं। बिरहा में तरज लाग गिल कैसे मास्टर आया है, ये हमारे जिगर के टुकड़ा जैसे तरज है के मानीला गीत बाकी एक चढ़ल जवनिया। अरे एक चढ़ल जवनिया आ दूजे हीरा जड़ल नथुनिया जवनिया जवनिया जादू डारे ले नथुनिया मंत्री मारे ले जवनिया सीधे आज के परिवेश पर आइए। देश महामारी की जंग से लड़ रहा है, पूरा दुनिया परेशान है, लेकिन फिर भी सरहद पे हलचल है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तारीख कौन था, समय कौन था, अंजाम क्या हुआ उस दिन? अरे 4 मई के बतिया, अरे 4 मई के बतिया बैठे घात लगा के भतिया मऊतिया 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 आसुधारे ले विपतिया छाती फारे ले मऊतिया आसुधारे ले विपतिया छाती फारे ले आसुधारे ले विपतिया छाती फारे ले। ये विदित है और ये लिखा गया है। लोग बताते हैं कि कोट करा चतुराई विधिका लिखल मीट ना जाई। मौत ही दुनिया में एक ऐसी चीज है, कटु सत्य है, एक पल इधर इधर विचलित नहीं हो सकती। लगातार जवानों के द्वारा आतंकवादियों पे फायर किया जा रहा है, जवाबी हमले में दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, जवान ललकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अश्विनी यादव ललकार के अपने जवानों को कहा, आतंकवादियों का पता लगा कि ठीक सामने है, ललकारता है जवान, आए जवानों आगे बढ़ाओ, अरे कसम है मातृभूमि की, एक भी दुश्मन बच के नहीं जाना चाहिए। जवान लगातार मुस्तैदी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक गोली आती है, फौजी जवान को कभी यह नहीं पता रहता, या गोली बनाने वाले को यह कभी नहीं पता रहता कि यह गोली किसके सीने को छेद के इस पार से उस पार जाएगी। अश्विनी की लगी गईली, अश्विनी के लगी गईली, अश्विनी के लगी गईली छती अंग में जे गोलिया, अरे अश्विनी के लगी गईली। एक गोली आई, पता नहीं है अश्विनी को, लेकिन धक देखी बार सीने में लगा, नजर सीने की तरफ किया, पीठ के इस पार से वापस वो गोली बाहर निकल गई। हाथ लगाया जहां गोली लगी है वहां, जवान पीछे मुड़े, साहब साहब गोली लग गई आपको, डांट के बाद दिया खबरदार,
कोई पीछे मुड़ के नहीं आएगा। मुझे गोली लगी है, मैं समझ लूंगा। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दुश्मनों के मंसूबे को नस्तनाबूद करने का टाइम है। असुवनी के लागी गईली सिनावा में ये गोलिया, असुवनी के लागी गईली सिनावा में गोलिया, असुवनी के लागी गईली सिनावा में गोलिया। खूनवा बगा के खेले, खूनवा बगा के खेले, खुनावा बहा के खेले, खुनावा का होलिया, खुनावा बहा के खेले, खुनावा के होलिया, खुनावा बहा के खेले, खुनावा के होलिया। गोली लगी है, नीचे गिर गया, मुंह ऊपर के तरफ आसमान के तरफ याद आ रही है। माई कह रहे कि जा बेटा आपन ख्याल रखिया, बाकी घरवा का याद रोटी दाल रखिया। माई भाई, लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, इस मातृ वतन के लिए, इस देश का, इस मिट्टी का, इस भारत माता के कर चुकाने का सच्चा समय यही होता है। एक फौजी तब तक गोली की आवाज सुनाई देती है, हंस रहा है, हमारे साथी दुश्मनों के छीने को छलनी बना रहे हैं। छोड़ी दी हले देश कई के, क्या कभी ने लाइन लिखा, छोड़ी दी हले देश कई के, देश के सलाम गो, हले देश कई के, देश के सलाम हो, छोड़ी दी हले देश कई के, देश के सलाम हो। सवाल ये है, सरहद पे फौजी शहीद होता है, बटालियन में खबर आती है और तत्काल इसकी सूचना उस जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, कप्तान को दी जाती है। एक जवान शहीद हुआ है और एक नहीं, इस जवान के साथ एक और जवान शहीद हुआ है। लेकिन खबर आती है कहां, गाजीपुर, बनारस से लेकर के गाजीपुर तक खबर आई। और जब खबर आई, बाबू मिलल बा खबरिया भैया को, मिलल बा खबरिया घरे मचल को हराम हो, खबरिया घरे मचल को हराम हो, मिलल बा खबरिया घरे मचल को हराम हो। माई के खबर मिला, अरे जैसे खबर पौलस कान में भनक लगल कल उसकी पागल हो गई लवा लोग। ए हमारे बेटा के शहीद होके के कहत बा, हमारे बेटा के कहत बा की मौत के काल के गाल में समा गईलन, हमारे बेटा का सीना देख ले अब लोग, रहला का तहु का केहू का रहला उतना मजबूत सीना, उतना लंबा चौड़ा सीना। माई के खबर मिलल, बारे माई लूटल के जीवन के मोतिया, अरे लूटल के जीवन के मोतिया, माई पिटके रोवे छतिया मऊतिया, अरे मऊतिया मऊतिया आंसू ढारे ले विपतिया, छाती फारे ले मऊतिया, आंसू ढारे ले विपतिया, छाती फारे ले मऊतिया। खबर आ गई पूरे जनपद में, जनपद में खबर तो आई टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। एक मिनट लगता है मैसेज को पास होने में, करोड़ों लोगों के बीच में जाने में, पूरे देश में यह खबर चली गई। गाजीपुर जनपद का एक जवान
अश्वनी यादव वीर गति को प्राप्त हो गया आतंकवादी हमले में दुश्मनों से लड़ते लड़ते। वाह, याद रखेंगे साथियों, खबर जब आइल बा करेजा घरे फटत बा सब घर, विराम में टेरी लग गेल कैसे मास्टर। अच्छा तो खबरिया आ गए घरवा दोनों भैया बेहोश होवन, माई बेहोश आई, पत्नी बेहोश है, दोनों बचवा समझी ना पावत हमन कि हमरे घरवा हो खा गई ल। कैसन लोग रोवन पीटन चालू कैले हमन, छोटे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो टुकुर टुकुर खड़ा होकर के देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मेरे घर में चर्चाएं कैसी हो रही है। अगले दिन लाश आना है, रात भर कोई परिवार का आदमी सोया नहीं है, दरवाजे पर हजारों लोगों की भीड़ लगी है। ये फौजी के शहादत की कीमत होती है। जहां सरकार इस बात को मना ही किया है आज के इस महामारी में कि एक जगह आदमी इतने से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उस जगह एक फौजी की शहादत सुनकर के हजारों लोग दरवाजे पर डटे हुए हैं अपने रियल हीरो का अंतिम दर्शन करने के लिए। अगले दिन लाश आती है दरवाजे पर, रखी गई उतार करके ताबूत दरवाजे पर, खोली गई और ताबूत से वो फौजी का पार्थिव शरीर निकाल के रखा गया। क्यों कहल अश्वनी यादव मर गई, शहीद हो गई। धथाई के पीछे हटल माई पकड़ल कलाई कहे वाला को दिमाग खराब है तुहार, कौन कह रहा है कि मेरा अश्वनी मर गया, बिरहा के टेरी में मतारी कहलस का कहलस। अरे मौतना इनकलाब की हुई, अरे मौतना इनकलाब की हुई, मेरा एक फूल मरा गए लाखों खिले गुलाब, मेरा एक फूल मरा है लाखों खिले गुलाब, मौतना इनकलाब की हुई। डांट के वो मतारी कहला साहब अधिकारी जवन लसिया के लेके आई ललन माई के इतनी भतिया सुन के झरझर 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 झरझर, वो अधिकारी फौजियन के आंख से पानी चले लगल, आंसू गिरत बा मतारी, केहू के कहल सुनल देख के कि ये मेन सबसे बड़ा अधिकारी होवन, कलाई पकड़लस कलस, ये साहब हमार लाल तो दुनिया छोड़ गेलन लेकिन तनी हमारे लाल के बारे में एक लाइन बतावा कि जिस देश की रक्षा करने में, अरे जिस देश की रक्षा करने में बेटे ने जान गवा बैठा, अरे छाती पैरी की छेदा भी और अपने गोली खा बैठा। अधिकारी का लस हा मतारी, तार बाबू शेर, तार बाबू शेर का मौत मरल हमन। कल साहब तनिका सा एक और सवाल पूछे थे, हमरे सवाल का देवा जवाब, साहब कहे पूछिए। कलस हे साहब इतना बतलाओ, अरे हे साहब इतना बतलाओ, क्या वीर गति से भागा था, अरे स्वयं सुरक्षा की रक्षा में कितनी गोली दागा था। ऐसा सवाल, एक मिनट लगा, बैलेंस बनाया वो फौजी अधिकारी और बैलेंस बना करके कहा मां सैल्यूट करता हूं तुझे, तुझे सैल्यूट करता हूं मां, लेकिन याद रख तेरे बेटे की, तेरे बेटे की वीरता के बारे में मैं बताऊं तो लो एक लाइन बता रहा हूं कि हे वीर सिपाही की माता, अरे वीर सिपाही की माता, फौजी मेरा फौलादी था, दुश्मन की छाती फेंक गया, हरदम लड़ने को यादी था। मतारी इतनी बात सुनने के बाद खड़ा भाई गलत, जा बेटा एक छाती का दूध का कीमत चुका दिया ला। जाओ सलाम कर दही माई सैल्यूट कर लस अपने बेटवा के। अच्छा वक्त ज्यादा हो गया, दरवाजे पे डेड बॉडी ज्यादा देर से पड़ी है, तमाम राजनैतिक लोगों के साथ साथ सामान्य आम आदमी भी दरवाजे पर खड़ा होकर के अंतिम दर्शन कर रहा है। साहब अधिकारी
और जिले के तमाम प्रशासनिक लोगों के द्वारा अब तैयारी हो रही है कि लाश का, डेड बॉडी का अंतिम दाह संस्कार किया जाए। तब तक चलल घरवा में से दुल्हिया चार मेहरारू पकड़ ले ही बदहवासल, कपड़ा लगता का कोनो ठिकाना ना, झोटा खुलल छाती पीटत आई के अश्वनी यादव के सिनेमा पर धार दे मुड़िया पटक दिया रस पटक के गलत सैया। ये साहब साहब ये साहब उठिए तो साहब ये साहब पता नहीं उसे शहीद हो गया है पति बिरहा में तरह लगल रोवत बे कैसे तरतबा के तुम्हें दिल लगी भूल तुम्हें दिल लगी भूल भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत के राम हो में आ कर तो देखो मोहब्बत के राम हो में आ कर तो देखो मोहब्बत के केरा हो में आ कर तो देखो मोहब्बत के हो में आ देखो। रो रही है छाती पीट रही है औरतें पकड़ के खींच रही है बहन तेरा पति अब इस दुनिया से अलविदा हो गया मां मही के दामन में सो गया तेरा पति फौजी है बेटे दोनों चिघाड़ मार के रो रहे हैं लेकिन दुल्ही अपने पति फौजी का लाश पकड़ के अपने फौजी का पार्थिव शरीर पकड़ के रोई के कहत भी आता नहीं है भाव पर गौर करेंगे क्या गया कभी ने लिखा है हमें किस खता की हमें किस खता की अरे सजा दे रे गए वो गलती हमारी बता के तो जाओ गलती हमारी बता के तो गलती हमारी हमें किस खता की सजा दे रहे हो हमें किस खता की सजा दे रहे हो हमें किस खता की सजा दे रहे हो अरे गलती हमारी बता के तो जाओ हमको या भागन हमको या भागन अरे बनाने से पहले सौतन का चेहरा दिखा कर तो जाओ सौतन का चेहरा दिखा कर तो अरे हमको या भागन अरे हमको या भागन अरे बनाने से पहले सौतन का चेहरा दिखा कर तो अरे सौतन का चेहरा दिखा कर तो क्या हक तुम्हें था कि विधवा बनाए ये किसने अधिकार दिया तुमको साहब ये साहब सही है दहाड़ मारती है सीने पर सर को फटकती है और पकड़ के वर्दी पकड़ के जो वो कपड़ा पहना हुआ है पकड़ के झझोड़ती है
कहती है, क्या हक तुम्हें था कि विधवा बनाए, क्या हक तुम्हें था कि विधवा बनाए, बच्चों के मुंह का निवाला न लाए, लाए 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 न लाए। उठो, सुनो मेरी बात, उठना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें उठ के बाजार, अरे तुम्हें उठ के बाजार, अरे जाना पड़ेगा, बिटिया को साई किल दिलाना पड़ेगा, बिटिया को साई किल दिलाना पड़ेगा, तुम्हें उठ के बाजा, अरे जाना पड़ेगा, बिटिया को साई किल दिलाना पड़ेगा, पड़ेगा बिटिया को पड़ेगा। पीछे से औरतें कलाई पकड़ती हैं, पकड़ के उठाती हैं, डांट की आवाज देती है, खबरदार ये होते कौन है हमें विधवा बनाने वाले, ये जा रहे हैं जाए लेकिन वादे से नहीं मुकर सकते, अपना वादा तो पूरा करो साहब, कौन लेके जाए, कौन लेके जाएगा जरा बताओ तो, बदहवास हो गई है, पागल हो गई है, करिए कि जा रहे हो तो जाओ लेकिन एक मेरी मुराद पूरी कर दो, कसम है जाके सरहद पे दुश्मन को भूनूं, कसम जाके सरहद पे दुश्मन को भूनूं, धोखा से मारे आपको, मेरी इच्छा है केवल आप आदेश दो मुझे, उठो साहब कहो मुझे, मुझे हुक्म करो, आदेश दो, कसम जाके सरहद पे दुश्मन को भूनूं, सिंदूर समझ के वो पिस्तौल चूमूं, अरे मैं भी तो अपनी, अरे मैं भी तो अपनी, अरे शहादत लिखूंगी, हमें अपनी वर्दी पहना के तो जाओ, हमें अपनी वर्दी पहना के तो जाओ, जाओ हमें अपनी, मैं भी तो अपनी, अरे मैं भी तो अपनी, अरे शहादत लिखूंगी, हमें अपनी वर्दी पहना के तो जाओ, नजरें भीगी हुई है, चेहरा गमगीन है, हर कोई अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा है, साहब जो जवान आए थे डेड बॉडी को लेकर के, उनसे लेकर के हजारों लोग जो सोनी यादव को अंतिम दर्शन करने के लिए खड़े हैं, फपक फपक के रो पड़े पत्नी की इस वीरता को देख करके, लेकिन कौन जानता है जो चला गया वो आने वाला नहीं है, कौन इसको समझाए इस पगली को, वो चला गया, वो नहीं आ सकता, आखिरकार पत्नी को पकड़ के लोग उठाते हैं, बदहवास है पत्नी लेकर के खड़ा करते हैं और कहते हैं कि क्षमा करना, ये तेरा सुहाग तेरे पास तो नहीं है लेकिन याद रखना पूरे दुनिया में तेरा सुहाग धधकते हुए दीप की तरह जलता रहेगा, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक सोनी यादव का नाम रहेगा। ए भैया, दुल्हिया के जो ही उठा के लोग किनारे गईल तोले बड़की बेटी दौड़ के जाके वही लसिया बगीर के पकड़ लेलस अपने पापा के, कलस कहो पापा वादा कैले रहा हमसे,
बिटिया रोही के कहत बिया का कहलस तरजबा अपने जमाने में गवाओ शुरुआत बिरहा में कैसे सुन कैला राजा ओ सुन कैला राजा कचौड़ी गली सुन कैला राजा आ मिर्जापुर के कैला गुलजार गो अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार गो कचौड़ी गली सुन कैला राजा मिर्जापुर के कैला गुलजार गो कचौड़ी गली चौड़ी गली अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो का चौड़ी गली बिटिया अपने बाबूजी के लसिया बगिर के मुड़िया पटक के रोहत बा रोई के कहत बेका मास्टर सवाल करे बिटिया अरे सवाल करे बिटिया कि पापा से सवाल करे बिटिया आज कर उमरिया छव साल गो अरे जे कर उमरिया छव साल गो कि पापा से सवाल करे बिटिया पापा से सवाल करे बिटिया जे कर उमरिया छव साल हो कि बाबू पापा मम्मी साइकिल के कह दिली आंख मूत लेला दुई बार काला नाली आईला आदो पारी हमके साइकिल ना चाहिए ए बाबू ए पापा उठा छतिया पर पीट दिया हाथ चेहरवा पकड़ के हिलावत है बेटी माथे को चूमती है कहती है पापा उठा उठा हम तक पप्पी दे दे पापा उठा बेटा दुलारते हैं अपने पापा को प्यार करते हैं पिताजी जब भी आते थे ना हमें गोद में लेके खिलाते थे और आज आप क्यों लेते हैं क्यों बधावा हमारा पूरा घर है आप बोल क्यों नहीं रहे हैं आंख झूठे मुंह ले बाला साइकिल की डर से ना चाहे साइकिल उठा आंख झूठे मुंह ले बाला साइकिल की डर से दादी भले डांटी ना अरे निकाली तू के घर से कि पापा से सवाल करे बिटिया अरे मम्मी के बनवला बुरा हाल गो कि पापा से सवाल करे बिटिया बुरा हाल हो कि पापा से सवाल करे बिटिया पापा से सवाल करे बिटिया अरे मम्मी के बनवला बुरा हाल हो कि पापा से सवाल करे बिटिया बच्ची छह साल की कलेजा फटा जा रहा है खड़ा होकर के जितने लोग उस बच्ची के बात को सुन रहे हैं अंततोगत्वा रिजल्ट यही निकला और यही निकलना भी चाहिए किसी भी तरह परिवार के लोगों को सांत्वना दे करके जो अधिकारी जो साहब आए थे वो
जिले का प्रशासन, इलाके के गणमान्य व्यक्ति, गांव नगर इलाके के लोग तैयार होकर के श्मशान घाट पर लेकर के चलते हैं उस शहीद अश्वनी यादव के डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को। साथियों, एक फौजी की यही कमाई होती है, एक फौजी की यही कमाई होती है। इस देश में जो वर्तमान परिस्थिति, जिस समय में बिरहा गा रहा हूं, आप भी जान रहे हैं। फिर एक बार मैं इस बिरहा में आपको बताया हूं कि एक जगह कई लोगों को इकट्ठा होना मना है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग अपने उस हीरो को अंतिम सलामी देने के लिए पैदल चल रहे हैं उस शव यात्रा के साथ। आगे आगे कुछ गांव के नौजवान लड़के एक डीसीएम गाड़ी पे साउंड बॉक्स लगाए हैं, देशभक्ति गाना है, मेरे वतन के लोगों तुम खूब जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अतीत के तरफ का गाना तो बज रहा है, लेकिन वर्तमान भी उससे कम नहीं है। आज कवि की कलम सवाल करती है बिरहा के पहपट में, क्या अरे इसे होई ये भैया यही से होई, अरे अगर फौज पर फायर सायर तब लिखी है, अब बेच वतन के खा जाई है सब कायर सायर तब लिखी है। काठ लगी है, अरे आदेशों की काठ लगी है सरहद के मतवालों पे, एक खून का छींटा भी पड़ता उनकी दीवालों पे, अरे छान मारते, अरे कौन है जनरल डायर सायर तब लिखी है, दफन हो जाते आतंकी डिजायर सायर तब लिखी है। ए साहब, आज कवि की कलम सवाल करती है। एक हिंदुस्तान के तरफ से अगर दुश्मन मारा जाता है तो दुश्मन किस हद तक जाता है आप देखते होंगे। दुश्मन के नापाक इरादे को आप दुनिया के लोग लगातार देख रहे हैं, टेलीविजन से, पेपर पत्रिका से आपको जानकारी भी है, और हम जवाब में कितना दुश्मन पे भारी पड़ते हैं ये आप भी देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है जवान शहीद हुए, लाश उनकी पार्थिव शरीर उनके घर आई, अंतिम सलामी दे करके उनके पार्थिव शरीर को जलाया जाएगा, लेकिन साथियों सवाल इस बात का है कि जो ही शहीदों की शहादत की खबर पूरे देश में फैलती है, तब तक देश के जिम्मेदार लोगों के तरफ से, देश के जिम्मेदार लोगों के तरफ से, देश के हुक्मरानों के तरफ से कुछ बातें ट्वीट की जाती हैं, कुछ बातें कही जाती हैं। आप समझदार हैं, इशारा समझते होंगे आप। दो जवान उस दिन शहीद हुए थे, अश्वनी यादव जिस दिन शहीद हुआ था। एक जवान के लिए भाषा को पढ़िए, आप शब्दों को पढ़िए, और अश्वनी यादव के लिए जो शब्द था उसको आप पढ़िए। मैं कहता हूं साहब, यह देश अबीर जवानों का या वेलों का मस्तानों का। भारत के सरहद पे खड़ा हुआ जवान अपने आप को किसी जात, किसी मजहब, किसी धर्म और किसी संप्रदाय का नहीं मानता। वो कहता है कि अहले वतन पे जब वर्दी शरीर पे पहनी जाती है तो वो भारत माँ का लाल होता है, और वो हिंदुस्तानी होता है सिर्फ वनली फॉर फौजी होता है। और एक फौजी का काम मर जाए, मिट जाए, कट जाए, उड़ जाए, चिथड़े चिथड़े उड़ जाए, लेकिन मातृभूमि की रक्षा करना उसका काम होता है। याद रखना, आज याद आता है वह दिन जब जवानों की लाश
उनके घर नहीं आती थी, उनकी वर्दी और टोपी आती थी। पहली बार किसान का बेटा इस देश का डिफेंस रक्षा मंत्री बने माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और अपने पहली कलम से घोषणा किया कि आज के बाद जवानों की लाश उनके परिवार को सुपुर्द की जाएगी, 10 लाख रुपया और एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन तनी हाई सुना ले के लोग चलल शमशान घाट, आ जब चलल वो समय के बाद भाई आल्हा लगल कैसे, कर्जा उतारी चली, अरे कर्जा उतारी चली गईले फौजिया भैया, कर्जा में छोड़ी गईले, कर्जा में छोड़ी गईले अपन परिवार, चिता पे लाश डेड बॉडी रखी गई है, चिता सजाई जा रही है, दोनों भैयावा जो ही भैया के चितवा पर अकल गई, बेहोश होके गिर गई लन, बेहोश होके दोनों भाई गिरलन, लोग उठावल होश मिलाओ, अरे पागल तेरा भाई फौजी है, तेरा भाई का नाम दुनिया में कीर्ति बनी है, और तेरा भाई इस देश के अंदर एक इतिहास कायम किया है, तेरा भाई मरा नहीं है, तेरा भाई अमर हुआ है। भैया वा खड़ा होके कहलन से साहब एक चीज का मलाल बा हमके, के ये कहू दिन सुइया, अरे ये कहू दिन सुइया दवैया करवले रहते, चुभे यही बतिया का, चुभे यही बतिया का दिलवा में सजल बाजा ना जाओई, अरे सजल बाजा ना जाओई नदिया के किनारा वा भैया, सच के तैयार हुई जवान को ये दुनिया का सबसे अच्छी बात जवानों के प्रति जो कवि ने लिखा, डंके की चोट पे कहता हूं कि फौज में जाना, फौज में जाने की इच्छा बड़े जिगर वाला जो होता है, बड़ा कलेजा वाला होता है, उसके कलेजे में होता है। और यह भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, फौज में जाने की इच्छा इस देश के विधायक, इस देश के मंत्री, इस देश के सांसद और इस देश के मिनिस्टरों के घर का कोई बेटा नहीं जाता। फौज में भर्ती होने अगर जाता है तो खेत में हल चलाने वाले किसान का बेटा जाता है। तवले अंतिम सलामी दियाल, अरे अंतिम सलामी दियाल फौज का जवानवा भैया, चीता पर सुतावल गईले शेर सरदार, चीता पर सुतावल गईले शेर सरदार। पूरी कंप्लीट है चीता, मुखाग्नि देना है। छोटा बच्चा है, चूंकि बीच वाला भाई भी चाहता था, लेकिन यह संस्कार है हमारा कि बीच वाला भाई नहीं देता। छोटा भाई जो है, अरे भैया हो भैया, हाथ में लेकर के अग्नि और अपने भैया के चिता को मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़ता है, बेटा भी साथ में है। आप जरा कल्पना करिए कि कितना कष्टदायक, कितना पीड़ादायक वह सीन होगा जब एक भाई अपने भाई को सदा सदा के लिए, जो भाई मिट चुका है, उसके पार्थिव शरीर को जलाने के लिए, उसके चिता में आग लगाने के लिए जा रहा है। अरे तवले मुहावा में यगिया,
अरे मुहावा में अगिया लगवले बिराना बाबा लेकिन सावे हर दुनहू न लाला नावा के अरे दुनहू न लाला नावा के अरे पूछा जनी हालतिया बाबू अरे लसिया जला के अले लसिया जला के जब अले दुआ श्मशान घाट से चिता धू धू करके जलने के बाद परिवार के लोग चिता को जलाकर आते हैं दरवाजे पर। दरवाजे पर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम पॉलिटिकल लोग, राजनैतिक लोग, सम्मानित लोग, संभ्रांत लोग, समाजसेवी लोग, शासन प्रशासन के लोग आकर के उस परिवार को ढांढस बना रहे हैं। साहब, एक फौजी को उचित सम्मान मिल जाए, फौजी को रुपया नहीं चाहिए। यह अलग बात है, सरकारें उनके सम्मान में देती हैं, लेकिन पैसा भी अगर आप देंगे और सम्मानित तरीके से नहीं देंगे तो शायद उस पैसे की तुलना किसी फौजी से नहीं की जा सकती। फौजी के सम्मान में जितना ही किया जाए वो कम होगा, इसलिए कि फौजी केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं जीता। अगर फौजी जीता है तो इस मातृ वतन के लिए, इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जीता है। एक फौजी बनाने में सरकार को कितना पापड़ बेलना पड़ता है आप पता करिएगा, उसके ट्रेनिंग से लेकर के, उसके रख रखाव से लेकर के। लेकिन वो फौजी भी अपनी जिंदगी उसी दिन जिस दिन वर्दी पहनता है हिंदुस्तान के नाम रजिस्ट्री बैनामा कर देता है। जीना है तो फौज में, मरना है तो फौज में। वाह, सौभाग्यशाली होता है जो रिटायर होकर के घर आता है, लेकिन जज्बा वही रहता है। घरे लोग आइल बा, बदहवास है दुल्हन, कभी घर से बाहर निकलती है, अंदर जाती है, कभी फोटो देखती है, कभी अपने बच्चों को देखती है। वीडियो यूट्यूब पे आया था, मैं देखा था, बच्चे रो रहे थे और उस माँ ने अपने बच्चों को समझाया। सलाम करता हूँ उस माँ को, दाद देता हूँ उसके हिम्मत को, और भारत के उस वीरांगना को रानी लक्ष्मीबाई मैं नाम दे रहा हूँ, वीर मधु का नाम दे रहा हूँ उसको। अपने बच्चों को समझाया, बच्चे रो रहे थे, कहा बेटा बाग में जो सबसे अच्छा फूल होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, और तेरे पिता सबसे अच्छे फूल थे जो मातृभूमि को, इस धरती मां को चढ़ाए गए। याद रखना ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और मेरे दिल की हार्दिक इच्छा है, मीडिया वालों से कह रही थी कि मेरे दिल की हार्दिक इच्छा है कि मेरा एक ही बेटा है और मेरा बेटा भी फौजी बनेगा, मैं अपने बेटे को फौजी बनाना चाहती हूं। बाबा टुकुर टुकुर और दोनों टुहरा भाई बेटा बेटी अपनी माई की देखत हो, कभी का कलम बैक हो गई, और वो मतारी के इर्द गिर्द घूम के, वो परिवार के इर्द गिर्द घूम के कभी का कलम कितना बढ़िया बात लिख दिया, लस करेजा फाड़ दे वाला। कैसे मास्टर? अरे बिना बाप के भाईला बेटा बेटी टुअरा त खोजल अंशु के बेटा ना मांगी कसे नूरा। क्या बात, जिया यही बात है। छोड़ गई ले उनके 12 साल में
अश्वनी को, अश्वनी के पिताजी स्वर्गीय श्री राम यादव 12 साल की उम्र में अश्वनी यादव अनाथ हो गए थे। लेकिन भारे भगवान, जब तू कलम चलाता है किसी के जिंदगी पे तो कितना गोल 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 करके घुमाता है, ये शायद दुनिया में किसी को पता नहीं होता, न पता होगा भी। बाबू उनकर छोड़ गई ले, उनके 12 साल में आया ईसाई आदित्य छूटे वो से बुरा हाल में। साहब, एक जवान जब शहीद होता है तो उस परिवार के ऊपर, उस परिवार की कंडीशन क्या होती है। छोटा भाई, दो भाई, दोनों भाइयों को दिल के मलाल रह गया कि मरते वक्त काश भैया से एक एक मिनट बात हुई होती, हेलो हो गया होता, हाल चाल हो गई होती। लेकिन आखिरकार जो विधि को मंजूर है वो हो के ही रहेगा। सत सत नमन है मेरा गाजीपुर के लाल को, सत सत नमन है मेरा गाजीपुर के लाल को, अरे कोई ना हराया अब तक धरती पे काल को। यही सत्य है, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा ताकतवर आदमी हो, मौत को नहीं टाली जा सकती उसके द्वारा। जो तय है इतने बज के इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर होना है तो होके रहेगा। हम सत सत नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस जवान को और उस माटी को भी अपने माथे से लगाते हैं, उस गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती जिसने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं आपको पहले ही बताया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर के आजादी की लड़ाई से लेकर के आज इस आजाद वतन में भी जब जब सरहद के उस पार से दुश्मनों का आक्रमण होता है, सीज फायर का उल्लंघन होता है और जब जब लड़ाइयां होती हैं, दुश्मनों से मुठभेड़ होता है, मुकाबला होता है, तो जरूर इस जनपद का एक जवान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए राइफल बंदूक लेके कहता है कि ए हरामजादों, हम तुम्हारे ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ा अथक प्रयास करके इस विरहा को हमारे कवि आदरणीय गया कवि जी ने लिखा, आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव जिनका बना रहता है, हमारे ऊपर आदरणीय और कवि जी के ऊपर, बिरहा जगत के शानदार सम्राट और बिरहा जगत के कंप्यूटर कवि जिनका नाम दिया गया है आदरणीय प्यारे लाल कवि जी, का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहता है। हम उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं और फौजी जवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गया एक सितारा, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूबा एक सितारा, स्वर चंद्र का प्यारे लाल ने दुश्मन को ललकारा, अरे मौत ना इनकलाब की हुई सोलंकी गया कभी का कोई नहीं जवाब, मौत